तो गाइस अभी जो है सर से डिस्कशन कंप्लीट हो चुका है। सर ने पूरा बता दिया है किस तरह से प्लान करी इनकी सर्जरीज को और किस तरह से होगी सारी चीज़ें। अब इनकी सर्जरी स्टार्ट होने वाली है, उससे पहले बनेगी इनकी हेयरलाइन जो भी आपको बताऊंगा मैं। और बस वीडियो में बने रहो तो सारा जो है आज आपको पता चलने वाला है ट्रांसप्लांट किस तरह से हो रहा है, सारी डिटेल आप इस वीडियो में देखने वाले हो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपके लिए एक और हेयर ट्रांसप्लांट का वीडियो लेके आ गया हूँ मैं, और आज है मेरे साथ सहदेव भाई जो कि राजस्थान से है। तो सहदेव भाई, सबसे पहले तो हम बात करते हैं इस चीज़ की, हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में कि आपकी प्लानिंग किस तरह से हुई और क्या प्रॉब्लम आ रही थी इस बाल्डनेस की वजह से। सबसे सर पहले मुझे 3 साल से प्रॉब्लम थी, मैंने 1.5 साल तो जॉब की है। हाँ, 1.5 साल जॉब किस लिए करी ये जरा सुन लीजिए, किस लिए करी आपने? हेयर ट्रांसप्लांट। हेयर ट्रांसप्लांट के लिए कि हेयर ट्रांसप्लांट करा चुके हैं, करा सके इसलिए इन्होंने जॉब करी है। वैसे जॉब की जरूरत थी नहीं आपको ना करने की, क्योंकि बाल्डनेस से इतने परेशान हो गए थे अपन। इनका भी बाल्डनेस दिखा देता हूँ मैं किस तरह से, और इसी के लिए आज इनका हेयर ट्रांसप्लांट होगा। और इस तरह से रखते तो बाल्डनेस इतना ज्यादा दिखता नहीं। जब इन्होंने मुझे फोटो दिए थे व्हाट्सएप पे, मुझे लगा नहीं था ज्यादा ग्राफ लगेंगे, बट जब ऐसा करके देखा तो यार बाल्डनेस काफी ज्यादा है। और जब इतना बड़ा बाल्डनेस हो तो किसी को भी वो तो परेशान कर ही देगा, नो डाउट। और इस एज में बाल्डनेस होना, कितनी एजेस है भाई आपकी? 25 साल की। 25 साल है ना, आप देखो ये अभी 25 साल में आप एज देखेंगे तो बहुत ज्यादा लग रही होगी ना, बट जब इनका रिजल्ट आएगा तो ये इतने ज्यादा अलग दिखेंगे, आप खुद देखेंगे और शेयर करेंगे रिजल्ट अपने साथ में, क्योंकि इनकी तो प्लानिंग ही है पूरी। और ये भी दूसरे को मोटिवेट करेंगे इस चीज के लिए, क्योंकि जब किसी को नई लाइफ मिलेगी ना तो उसका एक्सपीरियंस अलग होता है, और उसके संग जो जो उनकी जो फीलिंग्स होगी वो आपके साथ शेयर करें। मैं बताएंगे आपको कि हेयर ट्रांसप्लांट से कितना ज़्यादा चेंजेस आया है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। रिजल्ट कंटिन्यू आने वाले हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इनके अपडेट देखते रहना। और डोनर भी दिखा देता हूँ, थोड़ा सा पलट जाइए, ये देखिए डोनर काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। और इनको एक थोड़ी सी डेंड्रफ की प्रॉब्लम है, यहाँ पे डेंड्रफ की वजह से भी हेयरफॉल होता है, तो डेंड्रफ का ट्रीटमेंट भी देंगे सर इनको। ठीक है सहदेव, तो अभी हमने आपको असेस किया है ना, तो इसमें आपका जैसे हेयर लाइन बनना है और कॉर्नर्स फिलिंग होना है प्रॉपर, और बीच में आपके जो हेयर थिन हो रहे हैं इसमें फिलिंग होना है। तो लगभग 3-1 हज़ार ग्राफ्ट का अपना रिक्वायरमेंट रहेगा, तो उससे हम प्रॉपर तरीके से आपका एक हेयर लाइन डिज़ाइन करेंगे और आपका जो भी एरिया थिन आउट हो रहा है उसमें प्रॉपर फिलिंग करेंगे, सो कि पूरा एक डेंस लुक आ जाए, एक प्रॉपर लुक आ जाए, एक सही तरीके से है ना अरेंजमेंट हो जाए। सहदेव, अब इस प्रोसीजर को हम आपको सारे स्टेप्स बता देते हैं, है ना। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं, एक आपका स्लिट मेकिंग होता है जिसमें एक प्रॉपर डायरेक्शन में स्लिट बनाई जाती है, फिर एक्सट्रैक्शन करते हैं ग्राफ्ट का कि जितनी स्लिट्स बनती हैं उतने ग्राफ्ट एक्सट्रैक्ट कर लिए जाते हैं, और उसके बाद इन ग्राफ्ट को स्लिट्स में इम्प्लांट कर दिया जाता है। तो ये 3 पार्ट में ये पूरा प्रोसीजर कंप्लीट होता है। स्लिट और एक्सट्रैक्शन के बाद हम जनरली लंच ब्रेक देते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबली है ना लंच लेते हो, और इन बिटवीन अगर कभी जैसे आपको ब्रेक लेना है वॉशरूम वगैरह के लिए तो वो भी ले सकते हैं। माइल्ड प्रोसीजर होता है, आप बहुत कंफर्टेबल रहोगे है ना, इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा आपको बेहोश नहीं किया जाएगा या आप बहुत ज़्यादा ऐसा पेन नहीं होगा, ये सब चीज़ें नहीं रहेंगी, बिल्कुल कंफर्टेबल तरीके से है ना ऑफिस प्रोसीजर जैसे ये हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इसमें थोड़ा टाइम लगता है, बस यही है, बाकी तो बहुत कंफर्टेबल है। सो गाइस, अभी जो है इनकी हेयरलाइन कंप्लीट हो चुकी है, बाकी एक्सप्लेन सर करेंगे किस तरह से प्लानिंग की गई। आप देख लीजिए हेयरलाइन किस तरह से बनी है, वो अच्छे से दिखा देता हूँ मैं पास से, और कुछ इस तरह से इनके जो कॉर्नर भी यहाँ पे बने, बाकी हम सर से जान लेते हैं कि किस तरह से जो है हेयरलाइन को इनका रखा गया और किस तरह से प्लानिंग की गई। तो अभी जैसे इनके फेस को हेयरलाइन बनाते समय हम ध्यान रखते हैं, जैसे लेफ्ट और राइट में सिमेट्री होती है वैसे चेहरे को भी 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम, है ना, ताकि फोरहेड ये पोर्शन और नीचे का पोर्शन थोड़ा सिमेट्रिक दिखे, है ना। तो इससे फेस ज़्यादा सिमेट्रिक दिखता है और परफेक्ट तरीके से इसमें आता है हेयरलाइन। ठीक है, अभी इनके तो यहाँ एकदम ही बाल रिसीड हो चुके हैं, तो यहाँ फुल डेंसिटी ट्रांसप्लांट होगा। ठीक है, इसके बाद जहाँ पे एग्जिस्टिंग हेयर हैं यहाँ पे ये थिन आउट हो रहे हैं, तो यहाँ पे इनके बीच में प्रॉपर फिलिंग होगी, और जो सेंटर में है जहाँ पे ज़्यादातर अच्छे ग्राफ्ट हैं तो यहाँ अगर कुछ गैप्स दिखे तो बस उनको फिल किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद इनको टेम्पल्स में जैसे पहले सिर्फ इन्हीं का थोड़ा एनहांसमेंट करने का प्लान था, लेकिन उनका मन था कि थोड़ा सा इसको और अग्रेसिव किया जाए, तो हल्का सा आगे लिया गया है, बट ये बहुत आगे नहीं लेते, ये जैसे आईब्रो की जो लेटरल मार्जिन होती है तो उससे पीछे ही रखने की कोशिश करते हैं ताकि वो नेचुरल दिखे, क्योंकि बहुत आगे अननेचुरल दिखती है।
दूसरा पीछे के जो बाल होते हैं वहाँ पे बहुत फाइन हेयर लेने पड़ते हैं ताकि वो टेम्पोरल पॉइंट से मैच हो, ठीक है। तो कई बार पेशेंट्स के जैसे कम ग्रेड की बाल्डनेस में इतने ज़्यादा फाइन हेयर मिलते नहीं हैं, तो उसको बहुत आगे लाके वो थिक हेयर होने के कारण थोड़ा नेचुरल दिखने लगते हैं। तो इस तरीके से प्लान किया जाता है कि वो नेचुरल लुक दे, है ना, आपका लुक एनहांस हो जाए बट बहुत अननेचुरल ना लगे। तो इस तरीके से इनका पूरा एक प्लान रखा गया है और अभी बस आगे का थोड़ा प्रोसीजर होगा इनका, आप ट्रिमिंग करेंगे बालों की और उसके बाद फिर प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी हम बीटाडीन से पूरा ये एरिया क्लीन कर चुके हैं, स्टरलाइज कर चुके हैं, ठीक है। ये पूरा डोनर एरिया मार्क किया हुआ है, ठीक है। इसको अभी एनेस्थेटाइज करेंगे, लोकल एनेस्थीसिया में ये पूरा प्रोसीजर होता है। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं, सदैव हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और फिर धीरे धीरे पूरे डोनर एरिया में इसको इन्फिल्ट्रेट करेंगे, ठीक। अभी एनेस्थीसिया पार्ट कंप्लीट हो गया है, ये पूरा एरिया हमने इन्फिल्ट्रेट कर लिया है, है ना। तो यहाँ से अब ग्राफ निकालने हैं, तो एक एक एरिया से ग्रेजुअली करके, है ना, ग्राफ निकाले जाएंगे। तो अभी हम एक्सट्रैक्शन प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा, लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। किसी तरह का कोई भी डाउट है मन में, किसी तरह का कोई भी सवाल है, नीचे कमेंट करो, मैं आपका जो है कमेंट का जवाब दूंगा। ओके दोस्तों, बाय, टेक केयर।